नेताओं के बयानों से विवाद होना ये पुरानी बात है, लेकिन राजस्थान का एक नेता ऐसा है जिसका हर बयान एक नया विवाद खड़ा कर देता है और राजस्थान की सियासत में हलचल मचा देता है। वो नेता है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। दिलावर जब से मंत्री बने हैं उन्होंने कई बयान दिए हैं और उनके हर एक बयान से विवाद भी खड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अगर बात करें मदन दिलावर के तीन ऐसे बयान की जिनसे हुए विवाद लंबे समय तक थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दिलावर के हाल ही में दिए गए आदिवासियों पर बयान की। दिलावर ने भारतीय आदिवासी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर हमला बोला और बोले कि जो पार्टी देश और समाज को तोड़ने का काम करेगी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर बाप नेता खुद को हिंदू नहीं मानते हैं तो उनके डीएनए की जांच कराई जानी चाहिए। कोई देश को तोड़ने, समाज को तोड़ने की गतिविधियां प्रारंभ करे तो उनको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो कहते हिंदू ही नहीं है। वो एक नहीं है, वो तो उनके पूर्वजों से पूछ लेंगे। हमारे यहाँ एक वंशावली लिखने वाले लोग उनसे पूछ लेंगे तो क्या है, और हिंदू नहीं है वो तो फिर उनके डीएनए की जांच करा लेंगे, बाप की औलाद है कि नहीं। दिलावर के इस बयान से खड़ा हुआ विवाद दूर दूर तक खत्म नहीं हो रहा है। इस विवाद ने नया ही मोड़ लिया और अब बाप के साथ कांग्रेस के नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। दिलावर पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब बात करें दिलावर के दूसरे विवादित बयान की तो मदन दिलावर ने कांग्रेस पर पेपर लीक करके करोड़ों रुपए कमाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि अशोक गहलोत साहब और गोविंद सिंह डोटासरा साहब आप जल्द ही तिहाड़ जेल जाने वाले हैं, जहां आपकी मुलाकात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से होगी। उन्हें बताएं कि राजस्थान में आपने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से दिलावर पर पलटवार भी किया गया था। दिलावर पर जितने भी केस हैं उन सब का कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था। वहीं दिलावर को जो तीसरा विवादित बयान है उसने लोकसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। हर कोई मदन दिलावर के शिक्षा मंत्री होने पर अफसोस कर रहा था। दरअसल दिलावर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बोलते नजर आ रहे थे कि हे माँ, जो प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हैं, प्लास्टिक ग्लास में चाय पानी पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं, उन्हें बीमार कर देना, उनके हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, उनके घर कभी धन मत आने देना, सब देना, सब राजी खुशी रखना, लेकिन जो प्लास्टिक की थैली में सामान लाते हैं, उधर चल जाओ, जो कागज के गिलासों में, प्लास्टिक गिलासों में चाय पीते हैं, जो गंदगी फैलाते हैं, उनको बीमार कर देना, उनके घर में कोई कोई का हाथ तोड़ देना, पेड़ तोड़ देना, किसी का नुकसान हो जाए ऐसा कर देना, धन कभी उनके घर में मत आने देना। माँ तुमसे यही मेरी प्रार्थना है ताकि सब सुखी रहेंगे, यदि गंदगी नहीं रहेगी। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया कि ये वीडियो जब की है जब दिलावर विधायक थे, लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि दिलावर है तो शिक्षा मंत्री लेकिन वो कभी शिक्षा से जुड़ी कोई बात नहीं करते। वो पेड़ पौधे लगाने की सबकी नसीहत देते हैं लेकिन जब उनसे भर्तियों की बात करते हैं तो वो कभी भी सही से जवाब नहीं देते। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।